Hey, what's up, guys? This is आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के ऊपर। पाइथन में जो लिस्ट होता है, जो सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप होता है, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इन वीडियो में पूरा डेडिकेटेड मैं लिस्ट को ऊपर देने वाला हूँ। इसके पहले मैं ऑलरेडी डेटा टाइप्स के ऊपर बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एक ग्लिम्स दिया था लिस्ट टपल डिक्शनरी वगैरह का। तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना, एंड उसके बाद लिस्ट वाले वीडियो पे। और अभी तक सारी सीरीज कंप्लीट की तो इस पर आके पढ़ोगे तो सही सीक्वेंस में आप पढ़ रहे होंगे। बीच में से इस वीडियो को देखोगे तो ठीक है, अगर आपको बस ओनली लिस्ट समझना है तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो एनीवे हम वीडियो को चालू करते हैं इंट्रो के बाद। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक सीक्वेंस टाइप का डेटा होता है, जो कि आप अभी तक सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। एंड अगर आप ये बुक को पहली बार देख रहे हो तो आपको बुक के बारे में बता दो, इस बुक का बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में काफी कम प्राइस रखे, एक समोसा कचौरी के बराबर, तो उसे जाके बाय करोगे तो चैनल को एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। एनीवे ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट के ही मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल उठाऊंगा एंड सारे इसको गो थ्रू करके आपको एंटायर सीरीज में समझाने वाला हूँ। तो एनीवे मैं इसमें पहली सबसे पहले इसके ऊपर बात करता हूँ, लिस्ट इसको बना लेता हूँ फोर। तो आप देख सकते हो कि लिस्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टाइप का ही डेटा रखना है। आप अगर स्ट्रिंग बना रहे हो तो स्ट्रिंग रखना है, फिर इंटीजर बना रहे हो तो इंटीजर रखना है। आप लिस्ट में मिक्स टाइप का डेटा भी रख सकते हो, मतलब स्ट्रिंग रख दो, इंटीजर टपल रख, इंटीजर रख दो, या फिर आप इसमें बुलियंस टाइप का रख दो, या फिर आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना लो, ए कॉमा बी, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना लो, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, मतलब कितना भी चाहे हायरार्की बना सकते हो। एक लिस्ट के अंदर आप एक डिक्शनरी बना सकते हो, ठीक है। अभी ये आखिरी वाला है, काफ़ी लंबा मैंने हायरार्कीकल मतलब इसमें सभी टाइप के मिक्स डेटा टाइप का लिस्ट बनाया है मैंने। तो इसको मैं एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हो, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो इसमें मेरे सभी टाइप के डेटा आ गए, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ गया है एक, और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी भी आ गया। तो इस टाइप का भी आप लिस्ट बना सकते हो, और सेम विद अदर डेटा टाइप, लाइक सीक्वेंस के अंदर भी आप सेम बिहेव कर सकते हो, मतलब आप सेट के अंदर सेम बिहेव कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर आप सेम कर सकते हो कि डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बना लिया, फिर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना लिया। तो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो एनीवे इसका टाइप क्या होता है, इसका अगर आप लिस्ट बनाओ तो इसका टाइप क्या होता है। ये एक्चुअली होता है क्लास स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो इसका आप देखोगे, इसका टाइप अगर प्रिंट करते हो तो ये क्लास है जो कि लिस्ट टाइप का है, ठीक है। अभी अभी हम पढ़ेंगे इसमें लिस्ट के आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए आपको ये एग्जाम्पल से जो उठाता हूँ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसमें सभी चीज़ों को मैं गो थ्रू करवा दूँगा आपको। तो सबसे पहले एक लिस्ट हमने बनाई है, तो लिस्ट में आप किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप उसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पहली बार में वन वाला ये प्रिंट करूँ कि वन वाले इंडेक्स पे क्या है, तो जीरो वन वन पे बनाना है, क्योंकि लिस्ट या फिर किसी भी सीक्वेंस डेटा की सिक्वेंसिंग चालू होती है, इंडेक्सिंग चालू होती है जीरो से। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, अगेन ये जीरो है, ये वन है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से रहता है। तो पहले इंडेक्स पर मैं देखना चाहता हूँ, तो पहले इंडेक्स पर बनाना, नेगेटिव वन पे क्या है, नेगेटिव वन मतलब माइनस वन पे क्या है, मतलब पीछे से वन पे क्या है, पीछे से वन पे चेरी है, ठीक है। लिस्ट पर मैं स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो जिस लिस्ट में मेरे को कहाँ से कहाँ तक देखना है, टू से लेकर फाइव तक देखना है, जीरो वन टू, टू से लेकर टू थ्री फोर, फाइव पे मेरे को नहीं जाना, क्योंकि आपने देखा होगा रेंज में भी जो इधर वाला इंडेक्स रहता है या आखिरी वाला है, इस तक हम नहीं जाते, उसके जस्ट पहले तक जाते हैं। तो फाइव है मतलब फाइव के जस्ट पहले तक जाना है, तो जीरो वन सॉरी जीरो वन टू, टू से लेकर थ्री फोर, जीरो टू से लेकर फोर तक प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, चेरी ऑरेंज की भी मेरा प्रिंट हो चुका है। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग वाला इंडेक्स नहीं देता तो बाई डिफॉल्ट वो जीरो मानता है, जीरो मानता है मतलब जीरो से लेकर फोर तक। तो इसमें क्या करेगा, जीरो वन टू थ्री, ये फोर्थ वाले पे नहीं जाएगा, एप्पल बनाना चेरी और ऑरेंज प्रिंट होना चाहिए, एप्पल बनाना चेरी और ऑरेंज प्रिंट हुआ है। अगेन एक एग्जांपल और है, इसको भी मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जैसे कि मैंने पिछले वाले पे देखा स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया था, इसमें मैंने एंड वाला इंडेक्स नहीं दिया, तो एंड वाला इंडेक्स मतलब माइनस वन वो कंसीडर करता है, जो भी आखिरी वाला है वो माइनस वन, यहाँ पे इनविजिबल माइनस वन लिखा है, आप समझ लो मतलब आखिरी तक वो लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली माइनस में है। तो यहाँ पे आप देखोगे
मैंने प्रिंट किया टू से लेकर आखिरी तक, जीरो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, टू से लेकर आखिरी तक। तो टू से लेकर अगर आखिरी तक देखूँ तो मेरा चेरी से लेकर ऑरेंज मैंगो, ऑरेंज कीवी, मेलन और मैंगो, ये वाला मेरा प्रिंट हो चुका है टू से लेकर आखिरी तक। यहाँ पे अब दो नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, माइनस फोर से लेकर माइनस वन तक, मतलब माइनस फोर जीरो सॉरी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फोर से लेकर माइनस वन तक, माइनस वन को यहाँ पर पकड़ेगा नहीं, माइनस वन के जस्ट पहले तक। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया ऑरेंज की वी मेलन। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग कर सकते हो, ये जो मैंने कॉलन कॉलन लगा के डेटा को एक्सेस किया इसको स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट बोलता है। ये जो जिस तरह से मैंने स्लाइसिंग की है, मतलब वो माइनस ये फिर टू लिखा, फोर लिखा, फिर टू कॉमा टू कॉलन फाइव लिखा, फिर माइनस फोर कॉमा माइनस वन लिखा, ये जो स्लाइसिंग का कंसेप्ट है ये सेम अप्लाई होता किसी भी स्ट्रिंग के साथ भी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ए डबल कुछ भी लिख, ए डबल पी एल ई, ठीक है, बाकी सब कुछ हटा देता हूँ फॉर टाइम जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो सेम काम करता है स्ट्रिंग और लिस्ट में और टपल में। ये जो स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट है ये बिल्कुल सेम काम करता है, इसमें कुछ भी सिंटैक्टिकली कुछ भी चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम काम करेगा। तो इसमें हमने भी स्लाइसिंग करना देखा, स्ट्रिंग में भी आपको ग्लिम्स मिल गया होगा कि हाँ कैसे करते हैं। अभी आप बोलोगे आपने लिस्ट तो बनाया है लेकिन आप उस लिस्ट में आइटम को चेंज करना चाहते हो, मतलब कुछ डेटा आपने बनाया उस डेटा को आप ऑब्वियसली चेंज भी तो करना चाहोगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या किया हमने, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में वन वाले इंडेक्स पर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक करंट डाल दिया, जीरो वन मतलब बनाना की यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, ब्लैक करंट। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी वो एक्चुअल में क्या थी, वो लिस्ट एक्चुअल में वो लिस्ट थी ये एप्पल बनाना और चेरी। बट पहला प्रिंट स्टेटमेंट मेरा पहला प्रिंट क्या हुआ, एप्पल ब्लैक करंट और चेरी, बनाना प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि बनाना को उसने ब्लैक करंट से रिप्लेस कर दिया है हमने। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आप देख सकते हो एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी एंड मैंगो, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए है। अभी आप अगेन डेटा को चेंज करना चाहते हो तो इस तरह स्लाइसिंग के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो। मैंने वन से लेकर थ्री तक, मतलब वन जीरो वन, वन से लेकर थ्री तक, थ्री तक मतलब वन टू, टू तक ही जाऊंगा मैं, थ्री ऑरेंज तक जाऊंगा नहीं, मैं एक पहले तक जाऊंगा। बनाना और चेरी को मैंने रिप्लेस किया ब्लैक करंट और वाटर लेमन से। तो बनाना और चेरी यहाँ पे जो आने चाहिए थे वो दोनों रिप्लेस हो चुके हैं, आप ओरिजिनल इसको कंपेयर करके यहाँ पे देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग भी आप या फिर विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वाला इंडेक्सिंग भी आप डेटा को चेंज कर सकते हो पाइथन में, ठीक है। अभी कुछ नया डेटा आपको ऐड करना है, सपोज इसको मैं लिख देता हूँ माय डेटा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अभी दिस लिस्ट कहा गया कैप्स लॉक ऑन था, दिस लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड में मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेरी के मैंगो, मैंगो एम एन जी ओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोड देख सकते हो, एप्पल बनाना चेरी था उसमें मैंने मैंगो को अपेंड किया, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट दिस दिस लिस्ट, तो आखिरी में जाके मैंगो भी जुड़ गया इसमें। क्यों? क्योंकि एक अपेंड एक ऐसा मेथड है, ऐसा फंक्शन नहीं बोलूँगा, ऐसा मेथड बोलूँगा, क्योंकि ये एक मेथड है। मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे क्लास में जब पहुंचेंगे। तो एनीवे जो मेथड है मेरा वो उसका काम ही है कि जो भी उसके अंदर डेटा दूँ मैं उसको आखिरी में जाके ऐड कर दे, मैंगो को उसने आखिरी में ऐड कर दिया। अब अपेंड के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक यहाँ पर एक देता हूँ लिस्ट दे देता हूँ, पहली बार मैंने नॉर्मल डेटा दिया था, स्ट्रिंग देता मैंगो एप्पल बनाना चेरी मैंगो लेमन। तो आप देख सकते हो इसने क्या कर दिया, ये पूरे लिस्ट को यहाँ पे अपेंड कर दिया। यहाँ पे मैं डिक्शनरी डाल सकता हूँ, सेट डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। तो अपेंड में जो भी मैं यहाँ पे देता हूँ वो डेटा आगे जाके अपेंड हो जाता है एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो अपेंड एक फंक्शन है, आप दोनों में एक साथ इंसर्ट फंक्शन भी है। इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन कंट्रोल सी विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा की एंट्री कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो जीरो वन टू, अभी मैंने इंसर्ट फंक्शन अप्लाई किया है, बिल्कुल सेम है अपेंड की जब मैंने इंसर्ट लिख दिया,
इंसर्ट में मैंने क्या किया, इंसर्ट में मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए, वन इंडेक्स पे मैंने उसको बोल रहा हूँ कि ऑरेंज आ जाए, ठीक है, तो क्या करता है कि जीरो पर एप्पल था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वन पे उसने डाल दिया ऑरेंज और बनाना और चेरी को शिफ्ट कर दिया। इंसर्ट क्या करता, बीच में इंसर्ट कर देता, किसी आपने अननोन पर्सन को पकड़ के बीच में लाइन में लगा दिया, उस तरह का, मतलब पीछे के लोग और पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे किसी अननोन चीज़ को लाइन में लगाने जैसा हो गया अननोन पर्सन को, ये बाकी के एलिमेंट्स को डिलीट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, बीच में से किसी दूसरे एलिमेंट को उठा के लगा देगा, तो ये इंसर्ट करना होता है। आपके पास एक एक्सटेंड वाला भी फंक्शन होता है, अभी आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, एक्सटेंड में हमें क्या कर सकता हूँ, आपने देखा होगा अपेंड में एक लिस्ट में एक और लिस्ट डाल रहा था, तो वो लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड फंक्शन में दो लिस्ट को आपस में ऐड कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, तो दिस लिस्ट और ट्रॉपिकल था, दोनों को मैंने इस तरह से लिखा, दिस लिस्ट में मैंने एक्सटेंड किया ट्रॉपिकल को, तो वो क्या हो गया, दोनों लिस्ट कंबाइन होकर एक सेम लिस्ट बन गई। यहाँ पे मैं चाहता तो इसको ऐसा भी कर सकता था, दिस लिस्ट प्लस ट्रॉपिकल, दो लिस्ट को मैं आपस में ऐड भी कर सकता हूँ, जी हाँ, मैं दो लिस्ट को आपस में ऐड कर सकता हूँ, तो सेम ट्रॉपिक जो एक्सटेंड फंक्शन था उसी के जैसा बिहेवियर है, लेकिन आप ऐसा बोलोगे प्लस कर लो, कर सकते तो माइनस कर सकते क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑलरेडी आपको वार्निंग देखने को मिलती है, ठीक है, तो ओनली ऐड वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, दो लिस्ट को ये ऐड कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। अभी एक्सटेंड में आप देख सकते हो इसका आउटपुट कैसा आता था, ये लिस्ट का सीक्वेंस जो था वो बना हुआ है मेरा, और जो इसमें भी ऐड करता हूँ इसमें भी मेरा क्या है, लिस्ट का सीक्वेंस मेरा बना हुआ है, मतलब जिस सीक्वेंस में डेटा थे उसी सीक्वेंस में डेटा रहेगा, डेटा का सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता, तो ये मेरा लिस्ट था। अभी एक्सटेंड हम देख चुके हैं, हाँ ये देख सकते हो मैंने एक लिस्ट ली है, एक टपल लिया है, तो टपल को मैं लिस्ट के साथ अगर एक्सटेंड करता हूँ तो उसने क्या किया, कीवी और ऑरेंज को एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसने जमा दिया, लेकिन अगर मैं दोनों को ही टपल लेता हूँ तो क्या ये काम करेगा, तो आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे लाल लाल एरर दे दी, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, दिस लिस्ट क्या है, ये एक टपल है, टपल के अंदर कोई एक्सटेंड नाम का फंक्शन है ही नहीं, टपल के नाम पे कोई एक्सटेंड नाम का मेथड है ही नहीं, इसलिए उसने एरर दे दिया। तो जो अगर अब जैसे अब मैंने लिस्ट बना दिया तो ये यहाँ पे लाल लाल नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप दिस लिस्ट के पे अगर आप ऐसा लिखते हो डॉट लिखते हो और यहाँ पे सारे मेथड्स जो अवेलेबल है आप सबको देख सकते हो कि आपके पास एक्सटेंड अपेंड है, पॉप है, शॉर्ट है, कॉपी, क्लियर, काउंट, इंडेक्स, इंसर्ट, रिमूव, रिवर्स, ये सारे मेथड है, कभी ना कभी आपको यूज पड़ेंगे लाइफ में, तो इन सभी मेथड्स के बारे में जाके देख सकते हो। अभी यहाँ पे लिस्ट के सारे मेथड्स के मैंने नाम लिख के रखे, सभी के एग्जाम्पल देना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो सारे मेथड्स है, जो रिमेनिंग मेथड्स है, इन्हें आप खुद से ट्राई करो, पाइथन में जाके कुछ नहीं, बस ये लिखो, ऐसा लिखो, कंट्रोल दबाओ, इसमें देखो कि क्या क्या आर्गुमेंट लेता है, क्या क्या है, जिसके आप यहाँ पर होवर करके देख सकते हो, इंडेक्स क्या बोलता है, वैल्यू, स्टार्ट, तीन चार चीज़ें लेता है, तो जो भी चीज़ें बोलता है लेकर देखो, आप गूगल पे जब सर्च मारो देखो इसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो इन सभी जो रिमेनिंग मेथड्स इनको एक बार लाइफ में एटलीस्ट वंस जब आप पढ़ रहे हो तो तब ट्राई कर लो, बाकी जब रिक्वायरमेंट आएगी तो इसे याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मेथड्स है कोई याद नहीं रखता है, बट आप यूज तो हो जाते हो, इसको यूज तो हो जाओगे, आदत लग जाएगी आपको, इसको बस प्रैक्टिस करते रहो। सो गाइस, इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम, एफर्ट, सब कुछ लगता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।